नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अपने किलों के अंतर्गत के सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित नाहरगढ़ के प्रसिद्ध किले के बारे में, जो कई अनगिनत महलों और सुंदर ऐतिहासिक इमारतों से बना हुआ है, जो शहर के शानदार और समृद्धशाली इतिहास को वर्णित करता है। बड़े ही कलाकारी के साथ नक्काशी और पत्थर के शानदार वर्क के साथ नाहरगढ़ का किला एक अभेद्य दुर्ग माना जाता है, जो दो पड़ोसी किलों आमेर किले और जयगढ़ के किले के साथ मिलकर जयपुर शहर में मजबूत रक्षक के रूप में आज भी खड़ा है। और जो भी पर्यटक जयपुर घूमने के लिए आते हैं, वो इस ऐतिहासिक किले को बिना देखे रह ही नहीं सकते हैं। नाहरगढ़ किले को देखना चाहते हैं तो आपको इस पूरे के पूरे वीडियो को जरूर देखना चाहिए। इसके अंतर्गत हम इस किले से जुड़े हुए इतिहास, कहानियाँ, दर्शन और सौंदर्य सभी चीज़ों का वर्णन करेंगे। बात करते हैं नाहरगढ़ के किले के इतिहास की। तो कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के ढेरों से चिन्हित नाहरगढ़ किले को जयपुर शहर के संस्थापक महाराजा सवाई मान सिंह ने 1734 में बनवाया था। इस किले का इस्तेमाल गर्मियों के महल के रूप में किया जाता था। और किले की सबसे अच्छी बात यह है कि इस किले के लंबे इतिहास में कभी हमला नहीं हुआ। हालांकि ये किला 18वीं शताब्दी में मराठा सेनाओं के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने जैसे प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का भी स्थल रहा है। इस किले को 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान कई यूरोपीय लोगों को आश्रय देने के लिए किया करते थे। और वर्ष 1868 में जब राजा सवाई राम सिंह ने नाहरगढ़ किले के भीतर महल की एक श्रेणी बनाई, तब यह पैलेस जीर्णोद्धार के समय से गुजरा और नाहरगढ़ किले में रग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस जैसी कई फिल्मों की बेहतरीन शूटिंग भी हो चुकी है। अब बात करते हैं नाहरगढ़ किले से जुड़ी हुई एक अद्भुत कहानी के बारे में। तो नाहरगढ़ किला राजस्थान का एक बहुत ही आकर्षक किला है। अपने पीले रंग के साथ साथ गुलाबी नगरी जयपुर में बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। इस किले को सवाई राजा मानसिंह ने अपनी रानियों के लिए बनाया था, जिसे राजा की मृत्यु के बाद नाहरगढ़ किले को भूतिया कहा जाने लगा। और लोगों का माना जाना है कि किले में राजा का भूत रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर एकदम से तेज हवाएं चलने लगती हैं और कई बार दरवाजे के कांच टूटकर गिर जाते हैं। यहाँ कभी कभी एकदम से गर्मी और फिर अचानक से ठंड महसूस होने लगती है। किले में जाने वाले कई लोगों को कुछ अजीबोगरीब चीज़ों का एहसास हो चुका है। और बताया जाता है कि इस किले के पुनर्स्थापना संगठन के मालिक को अपने घर में रहस्यमय तरीके से मरा हुआ पाया गया था। वहीं अब बात करते हैं नाहरगढ़ के सुंदर आर्किटेक्ट की। तो नाहरगढ़ एक सुंदर इंडो यूरोपियन वास्तुकला से निर्मित है, जिसके अंदर कई खूबसूरत संरचनाओं का संग्रहण है। जब आप इस किले को ताड़ गेट नामक प्रवेश द्वार से किले में प्रवेश करेंगे, तो आपको बाई ओर जयपुर शासकों को समर्पित एक मंदिर दिखाई देता है। इस किले के परिसर में राठौर राजकुमार को समर्पित एक अन्य मंदिर भी स्थित है। इसके साथ ही आपको परिसर में सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित एक माधवेंद्र भवन भी देखने को मिल जाएगा। इस किले की संरचना दो मंजिला इमारत, जिन्हें राजा और उनकी 12 रानियों के लिए बनाया गया था, 9 समान अपार्टमेंट में विभाजित इस किले में प्रत्येक में एक लॉबी, बेडरूम, शौचालय, रसोई और स्टोर बना हुआ है। इन सब के अलावा महल में अन्य आकर्षणों में दीवाने आम भी है, जहां राजा अपने लोगों से मिलते थे और उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुना करते थे। नाहरगढ़ के किले के पास ही जैविक उद्यान भी बनाया गया है। किले के परिसर में आकर्षक संरचनाओं के अलावा जैविक उद्यान भी स्थित है, जो इस किले को बेहद ही खास और आकर्षक बनाता है। अभयारण्य के 7.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले जैविक पार्क को बारीक ग्रेनाइट और कार्ट ज्वाइट चट्टानों से सजाया गया है।
ये पार्क अपने समृद्ध वनस्पतियों के लिए जाना जाता है, जिसमें आप कई जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देख सकते हैं। इस जैविक पार्क में एशियाई शेर, बंगाल टाइगर और भारतीय तेंदुआ पाए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि पक्षियों की 285 से अधिक प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं, जो पक्षी प्रेमियों को बेहद ही प्रसन्नचित्त कर सकती हैं। नाहरगढ़ जूलॉजिकल यहां एक और खास पर्यटक केंद्र है, जहां पर एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, पैंथर, भेड़िए, हिरण, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, हिमालयी काला भालू, सुस्त भालू, जंगली सुअर जैसे हजारों जानवरों को देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं नाहरगढ़ किले के भव्य और आकर्षक माधवेंद्र पैलेस की। तो माधवेंद्र पैलेस को सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपने शानदार वापसी के रूप में बनवाया था। फिर 2 शताब्दी के बाद क्यूरेटर पीटर नेगी ने इसे उत्कृष्ट मूर्तियों के साथ सुशोभित किया। वहीं राजस्थान सरकार और एक एनजीओ के बीच इस प्रोजेक्ट को 10 दिसंबर 2017 से जनता के लिए खोल दिया गया था, जो समकालीन कलाकारों के लिए अपने काम को प्रदर्शित करने का एक खास स्थान बना है। और इस जगह पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहित 24 शीर्ष कलाकारों के द्वारा बनाई गई लगभग 53 कलाकृतियों को आकर्षक ढंग से देखा जा सकता है। बता दें कि यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के समय होता है। अक्टूबर से मार्च तक नाहरगढ़ जयपुर शहर में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस मौसम में दिन बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन रात 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडी हो जाती है। अगर इन महीनों में यात्रा की जाती है तो अपने साथ ऊनी कपड़े लेकर जाना चाहिए। वहीं गर्मियों के समय यहाँ का तापमान लगभग 44 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और गर्म हवाएं चलती हैं। जुलाई से सितंबर तक मानसून का समय होता है, लेकिन जयपुर में ज़्यादा बारिश नहीं होती है। इसी प्रकार किसी किले से जुड़ी हुई सारी के सारी जानकारी, किसी किले से जुड़े हुए सारे का सारे इतिहास की जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे अपने किलों से जुड़ी हुई अद्भुत श्रृंखला में। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।